लव मैरिज वाली बहू। सुबह का वक्त था और सरला जी काफी उदास चेहरा लिए हुए पार्क में बैठी हुई थी। तभी उनकी सहेली सुमन वहां पर आती है। क्या हुआ सरला जी, आज मॉर्निंग वॉक करने का इरादा नहीं है क्या? इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हैं? आई तो थी ये सोचकर कि पार्क में जाकर थोड़ी देर पहले टहल लूंगी, लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा। अरे सब ठीक है तो इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अरे भाई अब तो आपको खुश नजर आना चाहिए, अभी कुछ महीने पहले तो बेटे की शादी हुई है, घर में नई बहू आई है, आपके चेहरे पर तो रौनक नजर आनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, आजकल की बहुओं के बारे में क्या बताऊं आपको। क्यों, क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है क्या, कुछ किया क्या बहुरानी ने? अरे भाई अभी तो शादी को 6 महीने हुए। अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती हैं मेरे बेटे ने लव मैरिज की है और मुझे ना इन लव मैरिज वाले बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं, ना जाने कब मेरे बेटे के कान भर दे। अरे लेकिन सरला जी आपके बहू बेटा तो आपके साथ ही रहते हैं, फिर आपको इस बात का डर क्यों है? पता नहीं क्यों बहन जी, अभी तो मुझे अपनी बेटी दीपाली की भी शादी करनी है, बस इसी बात को सोचकर परेशान रहती हूँ। ये लव मैरिज वाली बहू पता नहीं कितने दिन परिवार में एडजस्ट कर पाएगी, कल को अगर बेटे को लेकर दूसरी जगह चले गई तो क्या होगा। अरे हाँ याद आया, दीपाली तो दिल्ली में नौकरी करती है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छी नौकरी लगी है उसकी, और आप किसी से कहना मत, अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाला कोई लड़का उसे बहुत पसंद है, बता रही थी मुझे। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपको लव मैरिज और इन सब में भरोसा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, जहाँ बेटी खुश रहे वहीं मैं खुश हूँ, और वैसे भी बेटी को तो दूसरे घर जाना है, वो लोग जाने और उनकी बहू जाने, मुझे तो बस अपनी बेटी का ब्याह करना है। अच्छा अच्छा ठीक है जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी बहू के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। क्या पता वो वैसी ना हो जैसी आप समझ रही हो। सरला जी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, अब ये तो भगवान जाने, बस मेरी बेटी दीपाली की शादी उसकी पसंद से हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। चलिए बहुत देर हो गई है, मैं भी अब घर जाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अगले दिन जब सरला जी अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी, तभी उनकी बहू वहाँ पर आती है। मम्मी जी मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से सब कुछ पॉजिटिव आया है, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ ताकि घर के खर्चों में थोड़ा हाथ बटा सकूं। अरे बहू तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, क्या तुम्हें किसी बात की कोई कमी है? तभी सरला जी का बेटा वहाँ पर आता है। नहीं माँ उसे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी है और अगर नौकरी करना चाहती है तो हमें उसे नौकरी करने देना चाहिए, कुछ पैसे घर में आएंगे हम सबकी मदद हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो बेटा जैसे ये घर तुम्हारी पत्नी की कमाई पर ही चलता है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी इनके कहने का ये मतलब नहीं है, बस मेरी ही नौकरी करने की इच्छा थी इसलिए आपकी परमिशन चाहते हैं। अब भाई मेरा बेटा तुम्हें लव मैरिज करके घर में लाया है, मैं तुम्हें कुछ कैसे कह सकती हूँ, जो मर्जी आए करो। सरला जी का बेटा और बहू वहाँ से चले जाते हैं। अब उनकी बहू नौकरी करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद सरला जी की बेटी दिल्ली से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने आपको बताया था ना मुझे अपने ऑफिस में साथ काम करने वाले एक लड़के से बहुत प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ माँ। हाँ हाँ तो मैंने कब मना किया, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके घर वालों को कहो, हम आपस में बात करके तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। अरे लेकिन माँ एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है बेटा? माँ वो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन कुछ ज्यादा ही पैसे वाले घर से उसके माँ बाप, उन्हें मेरे और उसके रिश्ते से वैसे तो कोई परेशानी नहीं है लेकिन वे चाहते हैं कि शादी 5-स्टार होटल में हो। अरे ऐसे कैसे, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए 5-स्टार होटल में शादी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन माँ मैं क्या करूँ, मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की
बस एक इसी जगह बात अटक गई है। साफ साफ कह दो बेटा, शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन ये 5 स्टार में शादी करने वाली शर्ट में नहीं मान सकती। अरे कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी, अगर दीपाली को कोई लड़का पसंद है तो हम उनकी शादी के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और अगर बात पैसों की है तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस बहुत आसान लगता है सब, जिस तरह तुमने मेरे बेटे से इतनी आसानी से शादी कर ली, सारे काम उतने आसानी से नहीं होते, समझ में आया? हर काम करने में पैसे लगते हैं। लेकिन मॉम, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करती हूँ। सही बात है बेटा, लेकिन तुम उस लड़के से साफ साफ कह दो, अगर उसे तुमसे शादी करनी है तो अपने घर वालों को मनाए, अगर नहीं मना सकता तो तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग से कहीं सेट कर लो, कोई जरूरत नहीं है अपने माँ बाप के साथ रहने की। मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी तो आपकी बेटी के साथ लव मैरिज करके आई हूँ, अगर मैंने भी ऐसा ही किया होता तो। अब तो मुझे उल्टा जवाब देने लगी, देखो बहू मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे ठीक से बात करो। लेकिन माँ भाभी ठीक तो कह रही हैं। हाँ अगर बात शादी के खर्च की है तो मैं उस लड़के से कुछ कह सकती हूँ, लेकिन उसे अपने घर वालों से अलग होने के लिए कहना, ये सही होगा क्या? आप तो समझिए माँ। और वैसे भी मम्मी जी मैंने कुछ महीने पहले जॉब करना शुरू कर दिया था और अपनी पूरी सैलरी बचा कर रखी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं दीपाली की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी सारी तनख्वाह मुझे मेरी बेटी की शादी का खर्च करने के लिए दे दोगी? हाँ माँ, मैंने भाभी को पहले ही सब कुछ बता दिया था और वो इस बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही नौकरी करनी शुरू कर दी ताकि मेरी शादी धूमधाम से हो सके। तभी सरला जी का बेटा वहाँ पर आता है। देखा माँ, जैसा हम हर समय समझते हैं वैसा होता नहीं है, आपको लव मैरिज करने वाली बहू से नफरत थी ना, लेकिन अपनी ही बेटी की लव मैरिज पर आपको कोई एतराज नहीं था, ये तो गलत बात है ना? हाँ बेटा सही कह रहे हो तुम, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, आज से मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी, और अपनी लव मैरिज वाली बहू से तो बिल्कुल नफरत नहीं करूंगी।